आज दिल्ली के बजट पर मैं आप सभी से कुछ चर्चा करने आया हूं। दोस्तों, अगर आपने बजट की समीक्षा करी होगी अभी तक, तो आपको ये बात पता चल गया होगा कि दिल्ली सरकार का, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें उसका ये बजट भी पूरी तरह से कॉपी पेस्ट बजट है पहले की तरह। इस बजट में भी नया के नाम पे लगभग शून्य है, और जो नया है उस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। आप सब अगर इसकी समीक्षा करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को प्यार करने वालों को, दिल्ली में रहने वालों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलेगी इस बजट से। और ये कहने के पीछे मेरा आधार है, जब बजट आता है हमारे सामने तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पिछले बजट में कितने वित्त की व्यवस्था थी, कितना उसका लैप्स हुआ था, कितना कार्य हुआ, और अब जो नया आया है वो उससे ज्यादा है या कम है। तो जब हम समीक्षा कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि इस साल के बजट में पहले से थोड़ा थोड़ा कम ही हुआ है। जैसे आप सबने सुना ही होगा, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो हमेशा हेल्थ और एजुकेशन पे बड़ी हल्ला करती है। सच्चाई क्या है? अभी सच्चाई ये है कि 2022-23 का हेल्थ का बजट था 9,769 करोड़, और 23-24 का जो बजट आया है उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग 18 से 20 करोड़ की, अभी कैलकुलेटर लेके आप एग्जैक्टली अगर आप उसमें देखें तो 27 करोड़ कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया? दिल्ली के जो स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो पहले से अस्पताल और ज्यादा भरने लगे हैं, अभी तो पहले से ज्यादा बेड की और कमी होने लगी है, अभी तो पहले से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं दिल्ली में, फिर आपने 27 करोड़ रुपए कम क्यों कर दिया? एक सवाल उठता है जो ये बताता है कि ये बातें तो करते हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ये जरा भी सजग नहीं है, जरा भी उनकी हितैषी नहीं है दिल्ली की। दूसरा विषय, एजुकेशन पर बहुत सारी बातें होती थी। एजुकेशन में इनका पिछला जो बजट था वो है 16,575 करोड़। इस साल का बजट है, क्षमा करिएगा, एजुकेशन पे जो इस साल का बजट है वो 16,575 करोड़ है। इसमें पिछला जो बजट है लगभग उतना ही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपके 16,575 करोड़ के बजट के बाद भी दिल्ली में एक भी नया स्कूल क्यों नहीं खुल पा रहा? दिल्ली में जनसंख्या तो बढ़ रही है, हर जगह की बढ़ रही है, तो दिल्ली की भी बढ़ रही है, तो दिल्ली में एक नया कॉलेज क्यों नहीं खुल पा रहा? यूनिवर्सिटी की तो बात ही दूर है। आप घोषणा भी करते हैं, जहां के वीसी भी बना देते हैं, उसकी सच्चाई लोगों के सामने है, बट कॉपी पेस्ट जो हमने कहा उसके आधार पे ये बजट का पैसा जा कहां रहा है?
तो फिर से वो केस जो पहले भी हम लोगों ने कर रखा है लोकायुक्त महोदय के यहां चल रहा है कि ये सारे पैसे कहीं 5 लाख के कमरे उसी स्कूल में कमरे बढ़ा करके 5 लाख का 30 लाख में बना करके आप वहीं तो नहीं ये सारे पैसों का वारा न्यारा करते हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली में पिछले 8.5 वर्षों में एक भी नया स्कूल नहीं खुला है, बल्कि एक दो बंद हुए हैं। अगर आप मुस्तफाबाद में जाकर के एक विद्यालय जहां पे एक ही विद्यालय में चार समय पढ़ाई होती थी, सुबह भी शाम भी और 3 दिन बच्चे पढ़ते थे एक बैच के, 3 दिन दूसरे बैच के, तो मतलब ऐसी स्थिति में जो स्कूल चल रहा था जिसको बार बार मीडिया दिखा दे रही थी, जिसमें कई बार लोग शिक्षा की पड़ताल करते थे तो वहां जाते तो स्कूल ही बंद कर दिया, उस स्कूल को ही तोड़ करके जीरो कर दिया है, अब वहां पे पढ़ाई ही नहीं हो रही। क्या मुस्तफाबाद के बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए? क्या इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं हो सकता था? तो ऐसी स्थिति में हमारा दो प्रश्न शिक्षा पे आ रहा है कि ये 16,575 करोड़ आप पिछले की तरह अगर दिए भी तो कहां जा रहा है? क्या सिर्फ 5 लाख के कमरे 30 लाख में बने इसके आधार पे कहीं वो टेबल के नीचे से बहता हुआ स्रोत उसका कहां जाकर के गिर रहा है? लेकिन हमें विश्वास है कि लोकायुक्त महोदय के कोर्ट में ये केस है और निश्चित रूप से उसकी जांच होगी ही, लेकिन आप सबको बताना और आप सबका सोचना दिल्ली के लोगों के साथ बड़ा आवश्यक है कि इसके बाद भी नया स्कूल नहीं, नया कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़ दें। अगला बिंदु ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर का तो आलम यह है कि नई बस तो छोड़िए, जो चलती थी वो भी डंप है, और अगर आप दिल्ली में किसी बस के पीछे अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लगा दिए ना तो बीच में कभी भी धुआं का एक गुच्छा आएगा और बेहोश होकर गिर सकते हैं सर। तो अब जैसे ही लोग दिल्ली में TDTC की बस देखते हैं तो सोचते हैं कि इससे थोड़ा दाहिने ही चलो, पता नहीं कब रुक जाएगी। और बजट बढ़ाने की जगह उसमें और कम किया गया है। पिछले साल 2022-23 में यह बजट था 9,539 करोड़ और अब कर दिया गया है 9,333 करोड़। इसका मतलब कि लगभग 200 करोड़ से ज्यादा कम कर दिया गया, 206 करोड़। अब इसमें समीक्षा करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा सजगता की आवश्यकता है, अभी आज हम समाचार में पढ़ रहे थे कि दिल्ली के इन सरकारी बसों के ड्राइवर महिलाओं को देख करके बस ही नहीं रोक रहे। क्यों? क्योंकि महिला बैठेगी तो उससे भाड़ा नहीं लेना है, तो बस ही मत रोको। अरे भाई, वो महिला का तो ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए तो आपको स्पेशली बस हाथ दे, महिला तो थोड़ा सा स्टैंड के आगे पीछे भी रोक दो। लेकिन आपने कह दिया कि बस में महिलाओं का फ्री है, लेकिन बस रोकेंगे नहीं, बस बढ़ाएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली को जो निराशा महिलाओं को, बहनों को हो रही है, वो आपके सामने बहुत दुखद स्थिति में रख रहा हूं। सोशल वेलफेयर, समाज में बहुत सारे लोग हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है लोगों को, वृद्धा पेंशन नहीं है, महिलाओं के पेंशन की दिक्कत हो रही है, नए पेंशन नहीं बन रहे हैं, और इनकी करतूत देखिए। बजट में 2022-23 में था 4,843 करोड़ का बजट, और ये जो है सीधे सीधे 99 करोड़ कम कर दिया गया इस बार। अब आप सोचिए हमारी दिल्ली की जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके मन पे क्या गुजरी होगी, जो आशा कर रहे होंगे कि इस बजट में उनके लिए कुछ अच्छा हो। विधवा बहनों का, हमारे जो सीनियर सिटीजन से उनका नाम हमने लिया, आप इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीनियर सिटीजन को लेकर के, दिल्ली के गरीबों को लेकर के?
तो ये स्थिति आपके सामने है। और दो पॉइंट्स और रखना चाहता हूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि कई जगह तो इनकी झूठ भी पकड़ी गई। ये भी जब पीसी में बोल रहे थे, बोले हम कई सड़कें बना रहे हैं। कौन सड़क बनाया आपने अरविंद केजरीवाल जी? G20 का वर्ष है, केंद्र सरकार सड़कें बना रही है, सड़कों पे जगह जगह सुंदर नक्काशियां की जा रही हैं। विदेशों से लोग आए तो वो इन सड़कों पे जाते समय एक अच्छी तस्वीर देखें, उसके लिए जगह जगह सजावट हो रही है, कई जगह टीवी स्क्रीन लग रहे हैं, फूलों से सजावट हो रही है। आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल जी इसमें? लेकिन आप बोल रहे हैं उसके दौरान सड़कें बन रही, उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट चोर कि अगर भूमिका में आप आ रहे हैं तो आप याद रखिए कि दिल्ली की जनता ये सारी बातें समझ रही है, लेकिन जो सबसे दुखद बात है कि दिल्ली की MCD के 3-3 मेयर जिस मुख्यमंत्री के दरवाजे पे 15-15 दिन अनशन पे बैठे रहे कि आप जरा बाहर निकलिए, MCD के साथ न्याय करिए, MCD का वित्त दीजिए, आप न आए, न आपने वित्त दिया, बल्कि जो बजट में था उसको भी नहीं दिया। और ऐसा क्या रॉकेट साइंस हो गया कि इस साल MCD के बजट में डबल की बढ़ोतरी हो गई? मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को दिल्ली के मीडिया के थ्रू ये बात बताना चाहता हूं, लोकतंत्र की ऐसी हत्या अगर कोई और करे तो उस पर कितना रोना धोना मचेगा। आपको एग्जैक्ट डेटा देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पिछले साल सिर्फ 4374 करोड़ जहां MCD का बजट था, वहां इस बार 8241 करोड़ बजट कर दिया गया, क्योंकि पिछली बार भाजपा की सरकार थी MCD में और इस बार आम आदमी पार्टी की है, इसलिए बजट को सीधे डबल कर दिया गया। हम इसका स्वागत करते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन पीछे ये बजट कहां चला गया था? पीछे दिल्ली के लोगों को जो तकलीफें हुई हैं 5 साल, उन तकलीफों का जिम्मेदार कौन है? आज ये बताने की तो आवश्यकता हमें नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने खुद से अपना वो काला चेहरा दिखा दिया है कि हां हमने रोका था बजट, हम सफाई कर्मचारियों का पैसा नहीं देते थे, हम शिक्षकों का पैसा नहीं देते थे, हम हेल्थ कर्मचारियों का पैसा नहीं देते थे। क्या बिगाड़ लेगी दिल्ली? जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, क्योंकि इस बार उनकी सरकार बन गई MCD में तो सीधे 4000 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल जी, शायद आपको पता नहीं कि दिल्ली के लोग जब आपका ये चेहरा समझेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि ये व्यक्ति अपनी राजनीति के लिए सफाई कर्मचारियों को, MCD के शिक्षकों को, हेल्थ कर्मचारियों को और दिल्ली की जनता को मार भी सकते हैं, भारी दर्द दे सकते हैं। मगर हम सच्चाई आपके सामने दिखा रहे हैं और यही लोकतंत्र की हत्या कही जाती है। सरकार जिसकी बने उसका उतना बजट मिलना चाहिए, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति उस वित्त पे बैठ गए हैं तो वो भेदभाव करेंगे और ये दिल्ली ने देख लिया। एक अंतिम विषय है, यमुना पार डेवलपमेंट बोर्ड होता है, इस बोर्ड पे यमुना पार के विधायक बहुत असंख्या में अपनी काम कराते थे और ये बजट लगभग पीछे 1200 करोड़ का हुआ करता था। आपको जान करके दुख होगा कि 1 रुपया भी यमुना पार विकास बोर्ड को नहीं दिया अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादातर BJP के विधायक है यमुना पार में। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है, जो बातें तो मीठी मीठी करता हो लेकिन इतनी क्रूरता दिखा सकता है कि यमुना जी का जो भी हो, आई डोंट केयर, आई एम अरविंद केजरीवाल। यमुना पार के लोगों का विकास भले ही सत्यानाश हो जाए,
बीजेपी का चुनाव, हम आपको बजट ही नहीं देंगे। ये है हमारे जमुना पार विकास बोर्ड का स्थिति। अब इतनी सारी चीजें आपके सामने रखते हुए, अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं चाहता हूं आप समीक्षा करेंगे, हम भी समीक्षा करेंगे, हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस बजट के आधार पे जो हमारी प्रथम दृष्टया जो हमारी टीम ने समीक्षा करी है, जो रिसर्च किया है, उसके आधार पे दो ही चीज निकल के आती है, कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ भी नया करने का समय नहीं और कुछ भी नया करने का विजन भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी इज टोटली विजन लेस चीफ मिनिस्टर, और इसमें जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा जहां कुछ लगाना था वहां कम कर दिया, जहां दिखाना था कि इस पैसे कहां गए वहां पर और बढ़ा दिया, क्योंकि वहां से उनको टेबल के नीचे से आमदनी होने की उम्मीद जग रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार के, आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली बजट को न सिर्फ निंदा करती है बल्कि उनकी इस क्रूरता को दिल्ली के सामने रखती है, और हम आशा करेंगे, हम चाहेंगे कि इसमें और कोई एजेंसी हो जो दिल्ली सरकार के इस क्रूरतापूर्ण कदमों को, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सके तो इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोकतंत्र की हत्या करके हम दिल्ली के लोगों को राहत नहीं दे सकते, हम बहुत निराश हैं।